तभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, इस बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको दोषी करार दिया गया है सूरत कोर्ट ने। और हमारे साथ मोदी सरनेम वाले ही सुशील कुमार मोदी साहब हैं, भाजपा के सांसद। उन्होंने भी शिकायत दी थी, सर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है राहुल गांधी को। देखिए, आज सूरत के कोर्ट ने जो फैसला दिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ जी। और मैंने भी राहुल गांधी पर पटना के CJM कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के पूर्व मोहतक कर्नाटक की एक सभा में उन्होंने भाषण करते हुए कहा कि क्या करें कि मोदी सरनेम वाले सारे लोग चोर होते हैं। अब जो नरेंद्र मोदी का नाम लिया, तो देखिए नरेंद्र मोदी को चोर कहना और मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को चोर कहना, इससे जो मोदी उपनाम वाले लोग थे उनको काफ़ी आघात लगा। और मैंने भी मुकदमा दर्ज कर रखा है और मुझे उम्मीद है कि सूरत की तर्ज पर बाकी कोर्ट भी इसी प्रकार का फैसला देंगे। तो आपको लगता है कि उनको दोषी करार देना बिल्कुल सही है और मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए? सही कह, देखिए एक गैर जिम्मेवाराना बयान और इस प्रकार की बात बोलना कि मोदी सरनेम वाले सारे लोग चोर हैं, तो इसलिए जो भी सूरत के कोर्ट ने किया, देर से ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन बहुत सही फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। 2019 में राहुल गांधी ने कहा तो जाहिर तौर पे मैक्सिमम 2 साल की पनिशमेंट राहुल गांधी को हो सकती है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सेटबैक नजर आ रहा है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।